न्यूटन टीचिंग टेक्निक में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनरल नॉलेज के पार्ट 15 को डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं पार्ट 15 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। नेम द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के सबसे सस्ते साधन का नाम बताइए। और ये बिल्कुल आसान सा जवाब है और इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। ओके, एंड द राइट आंसर इज वाटरवेज, जलमार्ग। रोड, रेल ये सारे चीज़ को छोड़ कर के, हवाई ये सारे चीज़ को छोड़ कर, जलमार्ग जो है वो सबसे सस्ता परिवहन है जिस पर हवाई पानी जहाज़ चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच पोर्ट इज द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री, यानी भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सा है। और इसके लिए भी आपको मिलते हैं 5 सेकंड, सोच समझ करके जवाब देना है। एंड द राइट आंसर इज मर्मागांव पोर्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। घाटशिला ऑफ झारखंड इज फेमस फॉर विच मिनरल प्रोडक्शन। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इसके लिए भी आपको मिलेंगे 5 सेकंड, सोच समझ करके जवाब देना है। और आपका टाइम शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज कॉपर, यानी तांबा। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द स्टेट वेयर द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड। उस राज्य का नाम बताइए जहां सबसे बड़ा पवन फार्म क्लस्टर स्थित है, यानी बिजली जो है वो थर्मल, हाइड्रो, सोलर इस तरह की चीज़ों से हासिल होती है, और विंड यानी हवा, पवन से भी हासिल होती है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ है। और इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड, सोच समझ कर जवाब देना है। भारत में कुल 28 स्टेट है, राज्य, उनमें से एक राज्य का नाम आपको बताना है। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर फर्स्ट रेलवे सर्विस स्टार्टेड इन द वर्ल्ड, विश्व की पहली रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सेकंड आपको मिलेंगे, सोच समझ करके जवाब देना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज 1830 में इंग्लैंड में मैनचेस्टर से लिवरपूल के दरमियान ये सेवा आरंभ हुई। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर रेलवे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई। और इसके लिए भी आपको मिलते हैं 5 सेकंड, और आपका टाइम शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज 1853, और बॉम्बे से थाने के दरमियान ये पहली रेल सेवा भारत में आरंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा राज्य मार्ग कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड। एंड द राइट आंसर इज NH44, जो कि ओल्ड NH7 का ही नाम है, जो नया नामकरण जो हुआ उसमें NH44 इसका नाम है। पहले ये वाराणसी से कन्याकुमारी, इसको विस्तार करके अब ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपका समय शुरू होता है अब। 5 सेकंड आपको मिलेंगे। एंड द राइट आंसर इज बंगाल
गैजेट, बंगाल गैजेट जो है वो भारत का पहला न्यूज़पेपर है, इसलिए कि पहले जो राजधानी भारत की थी वो कलकत्ता में थी और 1911-12 के आसपास इसको दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज़ द हाईएस्ट रोड इन इंडिया लोकेटेड, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, और इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड। और भारत में सबसे ऊंची सड़क लेह में है, चूँकि ये कश्मीर के पास है इसलिए ये सबसे ऊंचा है, दुनिया में सबसे ऊंची सड़क यही है। चलते हैं इस पार्ट के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगिन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई, और इसके लिए भी आपको मिलेंगे 5 सेकंड। एंड द राइट आंसर इज इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आरंभ हुआ। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।